दिव्य तेजमयो देवा महावीरो महाबला ज्ञान गुण भक्ति संगमो श्री हनुमते नमो नमः। जय हनुमान संकट मोचन जय हनुमान। केसरी नंदन तिहु जग वंदन अंजनी सुत बलधारी संकट मोचन नाम तुम्हारा संकट मोचन नाम तुम्हारा हर संकट पे भारी। जय हनुमान संकट मोचन जय हनुमान। संकट उसके निकट ना आवे ले जो शरण तुम्हारी। संकट मोचन नाम तुम्हारा संकट मोचन नाम तुम्हारा हर संकट पे भारी। जय हनुमान संकट मोचन जय हनुमान। तुम सब निश्चिंत रहो, तुम्हारा साथ देने के लिए दशरथ कुमार इस तपोवन में होंगे। अरे मुझ पर प्रहार करो, प्रहार करो मुझ पर। क्षमा करें गुरुदेव, लेकिन आपने ही हमें सिखाया है कि हमें बिना कारण जाने किसी पे प्रहार नहीं करना चाहिए। महर्षि के आश्रम में जाऊंगा और श्री राम जी के बारे में पता लगाकर शीघ्र ही लौट आऊंगा। अब प्रस्थान का समय हो रहा है और राजमहल में सभी तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। महामंत्री समझ पढ़ा रहे हैं। महाराज की जय हो। सूचना मिली है चारों राजकुमार गुरु वशिष्ठ के आश्रम से विद्या ध्यान करके राजमहल पधार रहे हैं। सुना सुना लगता था प्रभु।
कुमारों का वध करके पूरी अयोध्या पर अधिकार प्राप्त कर सकते हैं। संकट मोचन जय हनुमान। कल रात्रि में महर्षि वल्लभ पर ताड़का पुत्रों ने आक्रमण किया है। महर्षि वल्लभ अति वृद्ध हैं। उन राक्षसों ने उनकी आयु का भी ध्यान नहीं रखा। मेरी अनुपस्थिति में महर्षि वल्लभ का ध्यान रखना। आपकी अनुपस्थिति? मैं कुछ समझा नहीं गुरुदेव। क्या आप? हम अपनी पूर्व निर्धारित योजना के अनुसार अयोध्या जा रहे हैं। हमें पूर्ण विश्वास है कि हमें इस कार्य में सफलता मिलेगी। तो क्या अयोध्या कुमार यहाँ आएंगे गुरुदेव? आएंगे नहीं, हम उन्हें लाएंगे। और इसी संकल्प के साथ हम अयोध्या जा रहे हैं। परंतु आपकी अनुपस्थिति में यदि ताड़का ने कुछ उत्पाद किया तो? इसका उत्तर तुम सबको स्वयं देना है। यदि आवश्यकता पड़े तो शस्त्र भी उठाना। मेरी अनुपस्थिति में भार्गवी सिद्धाश्रम का कार्यभार संभालेंगे। जो आज्ञा गुरुदेव। हाँ, एक बात और, किसी भी विशेष परिस्थितियों में तुम सबको भार्गव के निर्णय के अनुसार ही कार्य करना होगा। जो आज्ञा गुरुदेव। कल्याण मस्त। आर्यावत में अनेक जातियां हैं, वानर, यक्ष, ब्रीज, इन सबको हमें एक करना है। इसके लिए मार्ग केवल एक ही है, राक्षस संस्कृति। राक्षस संस्कृति में कोई भी भेदभाव नहीं है, सभी राक्षस हैं, सभी एक हैं, सबके अधिकार समान हैं। किंतु ये सभी जातियां एक कैसे हो सकती हैं माते? इसके दो उपाय हैं, प्रेम और शक्ति। प्रेम से कोई भी धर्म परिवर्तन नहीं कर सकता है माते, हमने इसका प्रत्यक्ष अनुभव किया है। तो पुनः एक बार शक्ति का प्रयोग करो। यदि इससे भी कोई न माने तो उसका वध कर दो। सदा सदा के लिए उसे मिटा दो। ये घोषणा कर दो कि राक्षस संस्कृति जो भी स्वीकार नहीं करेगा उसका वध कर दिया जाएगा। सेनापति, हमें सूचना मिल गई है। क्या सूचना मिली है? माते, महर्षि विश्वामित्र की सूचना। माते, वो आश्रम छोड़कर अयोध्या जा रहे थे। परंतु क्यों? क्या वो सैन्य सहायता प्राप्त करने के लिए गए हैं या महाराज दशरथ का समर्थन प्राप्त करने के लिए? माते, हमें सूचना मिली है वो हमसे भयभीत है और अयोध्या में अपना आश्रम बसाना चाहते हैं। हाँ माते, आपने उनका यहाँ जीना दुर्लभ कर दिया है, इसलिए अब वो इस वन में नहीं रह सकता। बंद करो ये प्रलाप। हम महर्षि का सामर्थ्य भी जानते हैं और तुम्हारा भी। तो क्या ये सच नहीं है कि महर्षि विश्वामित्र अयोध्या गए हैं? ये सच है माते कि वो अयोध्या गए हैं, परंतु हमसे भयभीत होकर नहीं गए। हमें इसकी सूचना पहले ही मिल चुकी थी माते कि विश्वामित्र अयोध्या से दशरथ कुमारों को साथ में लेकर आएंगे। हाँ माते,
महर्षि विश्वामित्र अयोध्या के राजकुमारों को अपने आश्रम की रक्षा के लिए ले आने गए। मुझे तो उनके मूर्खता पर हंसी आती है माते। ये तो बड़ा ही सुंदर अवसर है पुत्र मारीच। हम उन कुमारों का वध करके पूरे अयोध्या पर अधिकार प्राप्त कर सकते हैं। हाँ माते, ये कार्य मैं स्वयं करूंगा। नहीं, ये कार्य मैं करूंगी। मैं स्वयं उन कुमारों का वध करूंगी। मुझे केवल अयोध्या की सूचना चाहिए और सूचना उपलब्ध करने का कार्य तुम करोगे। वचन दे राजन कि आप मुझे ना नहीं कहेंगे। हमें शीघ्रता करनी चाहिए। विश्वामित्र की पूरी सूचना सेनापति महारिज को चाहिए। हाँ, लेकिन इस वेश में तो हमें पहचान लेंगे। हमें सभासद का वेश ही धारण करना चाहिए। अब हमें अयोध्या में कोई नहीं पहचान पाएगा। हाँ चलो। मंत्रीवर, सभासदों एवं सामंतों, आज हमने ये विशेष सभा एक विशेष प्रयोजन हेतु बुलाई है। जैसा कि आप सभी को ज्ञात है, राम अपने भ्राताओं के साथ गुरुदेव वशिष्ठ के आश्रम से शिक्षा प्राप्त करके लौट आए हैं। हमारे लिए बड़े गर्व की बात है कि सभी कुमारों ने संपूर्ण वेदों और शास्त्रों की विधिवत शिक्षा प्राप्त की है। कुमारों की योग्यता एवं कौशल संपूर्ण कौशल के लिए गर्व की बात है। परंतु राजमहल में कुमारों को विशेष शस्त्रों की शिक्षा हेतु अन्यत्र भेजने की चर्चा चल रही है। हम इसके पक्ष में कदापि नहीं है, इसलिए इस संबंध में हम अपने सभासदों के विचार जानना चाहते हैं। क्योंकि हमारे लिए हमारे सभासदों के विचार सर्वोपरि हैं। अतः आप सब निसंकोच अपने विचार प्रकट करें। महाराज, सभा के विचार आपके विचार से कदापि भिन्न नहीं हो सकते हैं, किंतु हमारा निवेदन है कि सभा में यह स्पष्ट किया जाना चाहिए आप कुमारों के विशेष शिक्षा हेतु अन्यत्र भेजने के पक्ष में क्यों नहीं है। कारण स्पष्ट है। जैसा कि हमने स्पष्ट कहा, हमें कुमारों की योग्यता पर कोई संदेह नहीं है। हमारे कुमार शस्त्र और शास्त्र दोनों में निपुण हैं। हमें उनकी योग्यता पे तनिक भी संदेह नहीं है। अतः इन्हें विशेष प्रशिक्षण की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक
क्षमा करें महाराज, सिद्धाश्रम के स्वामी ब्रह्म ऋषि विश्वामित्र पधार रहे हैं। विश्वामित्र बिना किसी प्रयोजन के नहीं आ सकते, अवश्य ही कोई विशेष कारण है। अयोध्यापति महाराज दशरथ की जय हो। आसन ग्रहण करें महर्षि। वचन दे राजन कि आप मुझे ना नहीं कहेंगे। आपके आगमन से हम प्रसन्न हुए ऋषिवर। बड़े शुभ समय पर आपका आगमन हुआ है महात्मन। हमारे चारों कुमार आपका आशीर्वाद पाकर धन्य होंगे। हम संपूर्ण संसार को धन्य करने की इच्छा से आए हैं राजन। आपके कुमार की योग्यता किसी से छिपी नहीं है। महर्षि, हमारे कुमारों पर आप जैसे ऋषियों महर्षियों की कृपा है। कहिए, हम आपकी क्या सेवा कर सकते हैं? संपूर्ण संसार आपका महिमा गान करता है। हमने सुना है आपके द्वार से आज तक कोई खाली हाथ नहीं लौटा। ये सब आप जैसे महान ऋषियों की कृपा है। बताइए क्या चाहिए आपको? अन्न धन भूमि किसकी कामना है आपको? राजन, आप कदाचित भूल गए हैं कि हमने समस्त संसारिक सुखों का त्याग किया है, राजसी सुख की तिलांजलि दी है और अपनी स्वेच्छा से तप और साधना का व्रत लिया है। हम आपके पास किसी भौतिक लाभ की कामना से नहीं आए हैं। उन्हें निसंकोच बताएं ब्रह्म ऋषि विश्वामित्र। कुछ कहने के पूर्व राजन, हम आपसे वचन लेना चाहेंगे। कैसा वचन? आपकी प्रसन्नता के लिए हम अपने प्राणों की आहुति देने में भी संकोच नहीं करेंगे ऋषिवर। रघुकुल की ये रीत रही है, आप अपनी इच्छा प्रकट करें। रघुकुल की रीत के अनुसार हम आपकी कामना को अवश्य पूर्ण करेंगे। वचन दे राजन कि आप मुझे ना नहीं कहेंगे। ठीक है ऋषिवर, मैं आपको वचन देता हूं।
ऋषि के साथ मेरा जाना सुनिश्चित है हनुमान। हनुमान जय हनुमान, असुर निकंदन जय हनुमान। मरो जगम मारुत तुल्य वेग, जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं, वातात्मजं वानरयूथमुख्यं, श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये।